Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शादी करोगे मुझसे? तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तुम, साइम, हरगिज़ ऐसा नहीं करोगे। तो हम सब चाहते हैं कि अंगूठी बनाने की रस्म तय कर दी जाए आज। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ थोड़ा बहुत वक्त तो दें सलाह मशवरे का। भाई और भाभी की शादी की बात ना होती तो हमारी शादी की बात। तुम मुझे पोस कर रहे हो। आई हाईली सजेस्ट के अगर कोई ऑफिशियल बात ना हो तो आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना। इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। वलीद, अगर आप लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं। वाह सर, मैं भी यही सोच रहा था कि लेक्चर से बाहर किस तरह जाऊं, लेकिन अब जब आपने मुझे जाने का कह ही दिया है मैं कहीं नहीं जाऊं। ये क्या बदतमीजी है भाई? सर, वलीद मुराद को कोई कुछ नहीं कह सकता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। गेट आउट। क्या हुआ? ये लो, बड़े प्रोफेसर साहब के आगे। वही जो उसके मसले होते हैं, टेंशन है, पढ़ाई की तरफ इंटेंशन ही नहीं होती है उसकी, बस एज यूजुअल। वलीद, क्या हो रहा है? सर आप प्लीज इस मामले से आप तो दूर रहे, प्लीज। देखो, मैंने अपना लेक्चर कंडक्ट करना है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सर द क्लास इज योर्स, आप लेक्चर अटेंड करें, लेकिन मैं यहाँ से तब भी जाऊँगा जब मेरा दिल करे। आई विल नॉट स्टार्ट द लेक्चर अंटिल यू लीव, यू अंडरस्टैंड? जा रहा हूँ, वैसे भी आप बोर कर रहे हैं मुझे, इस क्लास से चले जाने ही बेहतर है। सर आपका मेरा मामला उधार रहा। गेट आउट। बाय, हैव फन गाइस। मिस फारिया जी, आपने बॉस को मेरा रेजिग्नेशन लेटर दिया था? जी, दे दिया था। कम इन। जी, मिस अब्रू, में जाने से पहले आपको एक प्रेजेंटेशन देके गया था। मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। आप क्या कहना चाह रही हैं? आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं की। मैं ये जॉब छोड़ चुकी हूँ। मैं आपको कह के गया था कि मेरे आने से पहले प्रेजेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। व्हाट्स योर एक्सक्यूज? क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? मुझे एक घंटे के अंदर अंदर फाइल अपनी टेबल पे चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? मैं ये जॉब छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती तुम्हें रोज, समझे? बस ठिकाना बदल गया है। Thank you.
क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ बहन। अरे साइम। चलो। साइम मेरी बात सुनो। साइम कुछ नहीं हुआ। बैठो। बैठो। अब मुझे बताओ क्या हुआ? साइम मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। लेकिन मीर ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे उसे मेरा रेजिग्नेशन मिला ही नहीं। तुम रिजाइन क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती उसे रोज। आप ये रेजिग्नेशन तो मसले का हल नहीं। शादी के बाद तो मीर हर वक्त ही तुम्हारी नजर के सामने ही रहेगा। फिर साइम वो बात अलग है, लेकिन यहाँ वो मेरा बॉस है। हर वक्त हर लम्हे मुझे यही एहसास दिलाता रहेगा कि मैंने गलत आदमी पे भरोसा किया था। आबरू तुम मुराद फैमिली का हिस्सा हो और इस बिजनेस में तुम्हारा उतना ही अमल दखल होगा जितना मेरा और मीर का है। तुम्हें इस तरह से हालात से भागने की जरूरत नहीं है। कैसे उसके अंडर अब काम कर सकती हूँ? जैसे पहले करती थी। साइन, पर पहले की बात और थी ना। अब मैं जानता हूं कि अब सब कुछ बदल चुका है, लेकिन मैं जिस आबरू से प्यार करता हूं वो हालात से भागती नहीं बल्कि हर तरह के हालात का डटकर मुकाबला करती है। क्यों करते हो मुझ पर इतना एतबार? क्योंकि तुम इस एतबार के काबिल हो। अब करोगी ना हालात का मुकाबला? हेलो। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, मैं ज़ेबुनिसा मुराद बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक अहमद साहब। मैंने बेसिकली आपको फ़ोन इसलिए किया है, मैं चाहती हूँ कि आपको आपकी फैमिली के साथ डिनर पे इनवाइट कर लूँ। ये इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? अरे तकल्लुफ़ की क्या बात है, लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो बिल्कुल ऐसी मुलाकात थी कि आप तो शायद हमारा घर भी देख नहीं पाए ठीक तरीके से, isn't it? जी वो ये तो आपने ठीक कहा। चलें इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और जी मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप आबरू को ज़रा साथ ज़रूर लेके आइएगा। मैं चाहती हूँ कि वो इस घर में आने से पहले यहाँ के तौर तरीके ज़रा समझ ले। जी ठीक है, आबरू को साथ ले आएंगे जी। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो फिर आज रात को डिनर पे मुलाकात होती है? ठीक है जी, खुदा हाफिज। ग्रेट, थैंक यू, बाय। मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक। वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खैरियत? हाँ खैरियत ही है, साइम की अम्मी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको रात के खाने पर बुलाया और खास तौर पे ताकीद की है कि तुम्हें लेकर आए।
पापा मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? जाके अपना ससुराल देखो ना, बहुत मजा आएगा। वलीद बताता है उनका घर बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। देखा हुआ मैंने वो घर। बेटा वो बहुत प्यार से बुलाया उन्होंने, मैं चलना चाहिए। ठीक है पापा। से एक बात है बेटा, तुम्हारे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने अपने छोटे बेटे को लाड प्यार में बहुत स्पॉइल कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप, एक नंबर का बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का है वो। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है आया बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ। जी। साइम का मेरे लिए रिश्ता आना और फिर मेरी एंगेजमेंट, ये सब इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। कहीं तुम्हें मेरे इस घर में शादी करने पर एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज होगा, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे इस घर में शादी करने पर तुम्हें अक्सर वलीद का सामना करना पड़ेगा। मैं उसे रोज कॉलेज में भी देखती हूँ। आप रिलैक्स। जानती हूँ मैं, लेकिन रोज कॉलेज में देखने में और रिश्तेदारी होने में काफी फर्क है। मुझे कोई एतराज नहीं। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ और तुम भी जल्दी से जाओ, प्यारा से तैयार हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुमसे शेयर करके तुम्हारी इन खुशियों भरे वक्त को परेशानी में नहीं बदलना चाहती। वालेकुम अस्सलाम। किस चीज की तैयारी हो रही है? आज आबरू के घर वालों को मैंने डिनर पे बुलाया है। ओह ग्रेट। मीर, तुम आज डिनर पे घर पे हो ना? मीर, ये बगैर जवाब दिए कहाँ जा रहे हो तुम? सॉरी अम्मी, थोड़ा जल्दी में हूँ। आंटी नहीं, मैं डिनर पे घर पे नहीं होऊंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? साइम के इन-लॉज आज पहली दफा घर पे आ रहे हैं, तुम्हारा होना जरूरी है। हाउ वंडरफुल। साइम के इन-लॉज घर पे आ रहे हैं, मुझे तो डेफिनेटली घर पर ही होना चाहिए फिर। थैंक यू सो मच आंटी फॉर इन्फॉर्मिंग मी, मैंने इतना इम्पोर्टेंट इवेंट मुझसे मिस हो जाता। माय प्लेजर। साइम, जाओ जाके तुम रेडी हो जाओ, वो लोग रास्ते में होंगे। जी। बहुत अच्छा किया तुम आई, मैंने स्पेशली अहमद साहब से कहा था कि तुम्हें लेके आए। अहमद साहब आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। हेलो एवरीवन,
वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मीर, तुम घर पर ही हो? अहमद साहब, ये हमारे साहबजादे घर पर आसानी से कम ही मिलते हैं। ऑफ कोर्स है, इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट से मैं कैसे ना घर होता। आंटी, आपका घर बहुत प्यारा है। You have a really beautiful house. Thank you so very much. अभी तो सिर्फ तुमने ड्राइंग रूम ही देखा है। जाओ, जाके सारा घर देखो। Really? Can I? Of course. इसमें पूछने वाली क्या बात है? Go. चलो, मैं दिखाता। साइम, जाओ आबरू को तुम भी उसका कमरा दिखाओ। नहीं 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 आंटी, इट्स ओके। अरे, इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है? जाओ जाओ साइम। मुझे ख्वाब सा लग रहा है। तुम, मैं, तुम्हारे घर में। वो भी इस वक्त अकेले। तुमको तुम्हारी अच्छी साइड क्यों नहीं नजर आती? क्या हुआ? कुछ नहीं है। आज बाबा तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे। ओह गॉड, ऐसी बातें करके इस टाइम पे मेरा मूड तो ना खराब करो। आई मीन कम ऑन। तो फिर कैसी बातें करूं? हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में? शर्मा रही हो? हाँ, साइम, तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं आता। होने वाला कमरा देखने से पहले ये तो देख लो जो कमरा तुम्हारा हो सकता था। दरवाजा खोलो, कोई देख लेगा। तो देख ले, कितना इमेजिन किया मैंने तुम्हें इस कमरे में, लेकिन अफसोस तुम आए भी तो कैसे? कहां जा रही हो? अभी तो आई हो, मुझे देखने तो दो कि तुम इस कमरे में लगती कैसी हो। कमिंग। क्या हो गया यार? यार वो कौन से कमरे में भेज दिया तुमने? से गलती से मेरे कमरे में आ गई।
And then she locked herself in. So I'm going to check the lock. I think there's something wrong with the door. Excuse me? Dinner ready hai. Tum bhi aa jao. Ji, ab chaliye, main aa raha hoon. अरे आबरू बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, खाओ ना। नहीं आंटी, मैं खा रही हूँ। Don't worry अम्मी, ये वैसे भी कम ही खाती है। अरे साइम, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। मीर, तुम आबरू के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, साथ में काम जो करते हैं बहुत, है ना? मीर, you are a workaholic. ज़्यादा परेशान तो नहीं करते आबरू को? नहीं अंकल, अभी तक तो नहीं किया, पर आगे का पता नहीं। नहीं भाई, बिल्कुल भी परेशान नहीं करना इसे, वरना तुम में और साइम में मसला खड़ा हो जाएगा और ये हमारी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। पापा बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अहमद साहब, आप जानते तो होंगे कि साइम जमाल का बेटा है, लेकिन हमने कभी बच्चों में फर्क नहीं किया। मेरे लिए साइम भी वैसे ही है जैसे मीर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि साइम मीर से कई जगहों पे बढ़कर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, साइम हमारी फैमिली का सबसे परफेक्ट बच्चा है। ज़ैनफर साहब, आजकल के दौर में जिस तरह आप दोनों भाइयों की फैमिलीज मिलजुल कर रहती हैं, बेमिसाल है। अहमद साहब, मुझे लगता है कि एक दो महीने में शादी की तारीख रख लेनी चाहिए, अब हम लोग और इंतज़ार नहीं कर सकते। अभी ये दो महीने तो बहुत महदूद वक्त है, आफ्टर ऑल तैयारियों में कुछ वक्त तो लगेगा। शादी की तैयारियों के सिलसिले में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। You don't have to worry about anything, Professor sir. तो बस फिर तय हो गया, अगले महीने शादी की तारीख रखते हैं। Excuse me. उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो मैं समझी कि तुम साइम से नाराज हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। जो बातें हमारी आंखों में नहीं पड़ पाई उसे कहने का क्या फायदा? बेटा, मुझे लगा तुम साइम से नाराज हो इसलिए धोखे और वफा की बातें कर रहे हो। मेरा बाप तो कभी मेरा था ही नहीं। एक माँ थी जिन्हें मेरे दर्द का पता था, उसने इन्हें भी मुझसे छीन लिया। किसने छीन लिया? किसकी बात कर रहे हो? रहने दे अम्मी। मी, आपको कैसे नजर नहीं आया? अम्मी, किसी और को नजर आए ना आए, लेकिन आपको कैसे नजर नहीं आया? जो मैं सोच रही हूँ सही है। तुम आबरू से
ये कैसे हो गया? अबरू को इसके बारे में पता है? साइम जानता है? सब से कुछ पता है। बहुत बड़ा खेल खेला गया मेरे साथ, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे अबरू को समझने में। उसकी इस मासूम शक्ल के पीछे तो कोई और ही चेहरा है, और इस सब में उसका साथ दिया साइम ने। साइम ने? नहीं नहीं, साइम ऐसा नहीं कर सकता। शादी के लिए रजामंद हुआ है वो, सब जानते पूछते। साइम ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा भाई है, वो नहीं कर सकता ऐसा। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था मम्मी कि साइम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस उसने ऐसे ही किया। कब से दबा के बैठे हो सब कुछ अपने अंदर, कब से चल रहा है ये सब? कहीं मेरे पीठ पीछे तो कब से हो रही है सब कुछ, लेकिन मेरे सामने ये सारी हकीकत चंद दिन पहले ही खुली है। अबरू के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन साइम ऐसा नहीं कर सकता। मैंने साइम की तरबियत की है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा, खास तौर पे तुम्हारे साथ। मम्मी, अब ये बात इन बातों से बहुत आगे निकल चुकी है। तुमने रसम वाले दिन सब कुछ क्यों नहीं बोला? खेल खुलते खुलते टाइम लग गया। खैर, अब जब ये खेल खुल ही गया है तो मजा आएगा खेलने में। मीर, तुम दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो सकते। तुम्हारी अना, तुम्हारी खुददारी तुम्हारी खुशियों के रास्ते में आ रही है। मां होने के नाते सिर्फ एक बात कहूंगी तुमसे, हमारा प्यार भी बड़ा अजीब है। तुम अपना प्यार भी नफरत की तरह जताते हो, और मेरी दुआ है जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आए वो तुम्हारा प्यार समझ सके। सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है ना। साइम भाई और आबी की शादी की डेट भी पक्की हो गई। हाँ, वो तो सब कुछ बहुत जल्दी आया। वलीद, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर वालों को हमारे बारे में बता देना चाहिए। हमारी शादी की बात करनी चाहिए तुम्हें। हाँ बिल्कुल, बता देना चाहिए, लेकिन मेरे घर वालों को कोई मसला नहीं होगा। मसला होगा आपके घर वालों। क्यों, मेरे घर वालों को क्या मसला होगा? आप ही तो मुझे बोलती रहती कि वो मुझे पसंद नहीं करते। तुम साइम भाई के छोटे भाई हो, आबी की शादी तुम्हारे घर में हो रही है, मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार बात कर लो। तुम बात करोगी, उसके बाद मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो क्यों नहीं मानेंगे? मान जाएंगे। हाँ? मुझे एक आवारा लड़का समझते हैं, कैसे मानेंगे? अच्छा चलो, आज ही मैं आबी और बाबा से जाकर बात करूंगी और देखना वो क्यों मान जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम बाबा से बात करने से पहले एक दफा भाभी जी से बात कर, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। भाभी जी? हाँ भाभी जी, लेकिन तुम शर्त लगा लो, तुम्हारे घर वाले नहीं माने। और तुम शर्त लगा लो कि बहुत आसानी से मान जाएंगे। ओके तो डील इज डन। खाना खिलाओगी? अच्छा भाई, पढ़ाई करो। हाँ, क्योंकि तुम तो वैसे भी आप क्यूट हो। बोलो। अवारा? हाँ हाँ, अवारा लड़का हूँ। क्यूट? बोलो अवारा। अस्सलाम वालेकुम मामा।
खैरियत तो है ना अम्मा? आप इतनी परेशान भी लग रही हैं। ये कैसे हो गया? क्या हो गया? साइम, मैं समझ रही थी कि मीर तुमसे इसलिए नाराज है कि तुमने अपने और आबरू के बारे में उसको पहले नहीं बताया, लेकिन नहीं, बात कुछ और है। आप बैठ, आप बैठ, प्लीज रिलैक्स। सब कुछ जानते थे? अम्मा बाखुदा, मुझे सब कुछ उसी दिन पता चला जिस वक्त हम सब आबरू के घर में बैठे हुए थे। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? अम्मा मैं बाहर आने वाला था सबको बताने के लिए कि मुझे गलतफहमी हो गई, मैंने आबरू की बातों का गलत मतलब ले लिया। लेकिन उसी वक्त मुझे मीर ने कहा कि उसको आबरू में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी मैं आबरू से शादी करने को तैयार नहीं था। फिर आबरू ने मुझे रोक दिया। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरा साथ चाहिए। अब आप ही मुझे बताएं, ऐसे वक्त में मैं आबरू को अकेला कैसे छोड़ देता? ये किसका किया धरा है? साहिब, मीर के दिल की बात तुम्हें और मुझे कैसे बतानी चली? इस बात पे तो मुझसे ज्यादा मलाल किसी और को हो ही नहीं सकता। लेकिन अम्मा मैं जानता हूं मीर अभी गुस्से में है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मुझे आकर वो गले लगा ले। नहीं, जो मैं उसकी आंखों में देख कर आ रही हूं ना, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। अम्मा आपको तो पता है कि मीर के इससे पहले कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं, और भाई साहब एक दो महीने में भूल भी जाते हैं। लेकिन उन रिलेशनशिप्स की वजह से उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। मैं आबरू को बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और ये घर जिसे हमने इतने सालों से मोहब्बत से बसाए रखा बिखर जाएगा बेटा। नहीं बिखरेगा, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। तुम दोनों भाइयों के बीच में दरार आ चुकी है, और ये दरार जिसकी वजह से आई है वो तुम्हारी शरीके हयात बनने जा रही है। माँ, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हम दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग करते। मोहब्बत वो ताकत है जो एक दूसरे को जोड़ देती है, और उतनी ही बड़ी ताकत है जो अगर बिगड़ जाए ना तो अच्छे अच्छों को तोड़ देती है। बेटा, माँ परेशान मत होना, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। आज ऑफिस नहीं गई? हाँ, दिल नहीं चाह रहा था। सना आ गई साजिया की तरफ से? वो प्रोजेक्ट के काम से गई है ना, तो देर हो जाएगी उसे। बाबा, बाबा आ गए यूनिवर्सिटी से? बाबा आए नहीं यूनिवर्सिटी से। अच्छा हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ कहना? कहना तो है पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्यों, ऐसा क्या है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, मसला कोई भी नहीं है। वो वैसे तो ये बात तो तुम्हारे और बाबा के साथ करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी राय पहले ले लूं। ऐसी क्या राय लेनी है तुमने मेरी? आबरू, मुझे किसी ने प्रपोज किया है और वो मुझे बहुत पसंद करता है। तो
कब हुआ ये? अभी रिसेंटली. और तुम जानती हो, तुम्हें पता चलेगा ना कि वो किस फैमिली से है तो तुम और बाबा बहुत खुश होंगे. अच्छा भाई, मैं तो गेस नहीं कर सकती कौन है. सस्पेंस खत्म करो, फौरन बताओ. वलीद. ये लड़का क्या कर रहा है? ये इस हद तक गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था. आबरू, क्या हो गया? तुम और सना आपस में बातें नहीं करती? पहले वो सना के साथ, तुम्हारे साथ, ये क्या कर रहा है ये लड़का? कहाँ हुआ ये अभी? कहाँ होगा? यूनिवर्सिटी में होगा अभी. इसे फोन करो और अभी इसी वक्त यहाँ बुलाओ. अभी फोन करो. मैं अभी कॉल करती हूँ. हेलो हेलो वलीद, तो तुम अभी आ सकते हो घर पे? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. कैसी हैं भाभी जी आप?